सो गाइज, अभी मैं सिंगापुर में हूँ और यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे सारी ऑटोमोटिव ब्रांड्स हैं। मतलब जो भी कार आपको खरीदनी होती है वो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। सो जैसे अपने दिल्ली के मायापुरी में सारे ऑटोमोटिव हब हैं, यहाँ पे भी कुछ उस तरीके से ही सारी ऑटोमोटिव कंपनियाँ यहाँ पे दिखती हैं। तो मैं अभी सुजुकी के शोरूम पे, आपको स्विफ्ट दिख गई होगी, अभी इग्निस भी यहाँ पे नज़र आ गई है। ये सब हाइब्रिड वर्जन में यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, इंडिया में भी जल्द लॉन्च हो। स्विफ्ट तो होने वाली है, इग्निस का पता नहीं है। सो अब हम देखने वाले हैं सुजुकी जिम्नी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है, राउंड हेडलैम्प और उसके साथ में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल है, बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक कलर में दी गई है और अच्छी दिख रही है काफ़ी। अगर आप देखें इसको साइड व्यू से, आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, और आपको क्लैडिंग्स मिल जाती हैं जो कि इस कलर पर काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट दे रही हैं। रूफ ग्रिल के ऊपर आपके यहाँ पे माउंट कर दिए गई है ये साइकिल, जो आपको ये याद दिलाएगी कि आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करें इसको, और कैंपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है, स्टेपनी भी यहाँ पे माउंट की गई है रियर प्रोफाइल पे ही। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार अच्छा लुक नज़र आ रहा है जिम्नी का। तो यहाँ पे 3-डोर जिम्नी है, इंडिया में ये 4-डोर लॉन्च होने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5-डोर लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। और कुछ इस तरीके का ये बॉक्सी डिज़ाइन नज़र आएगा, जैसे कि हो माचिस का डब्बा। तो यहाँ पे अगर बात करें डोर हैंडल्स की, वो बड़े सिंपल से दिए गए हैं और बॉडी कलर के साथ आपको मिल जाते हैं। चलिए इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ फर्स्ट लुक कैसी नज़र आएगी। अभी तक शायद किसी ने आपको दिखाई नहीं होगी कैसी दिखती है इंटीरियर में जिम्नी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये राइट हैंड ड्राइव है और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके का इंटीरियर हो सकता है, इंडिया में भी रिप्लिकेट हो। और इस तरीके की सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं जो कि लेदर अपॉलेस्ट्री वाली नहीं है। रियर में आपको 2 पैसेंजर के लिए जगह मिलती है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कम स्पेस वाली कार अभी ये नज़र आ रही है इंडिया में। हो सकता है थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया जाए, जो कि नीड भी है, नहीं तो थार की तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि लोग सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करेंगे इसको, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको सेंटर कंसोल और यहाँ पे डैशबोर्ड मिलने वाला है, चलिए अभी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो रूफ रेल्स दिए गए हैं वो क्लैंप के थ्रू माउंट किया गया है, और साइकिल कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे आप लगेज भी रख सकते हैं, टेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर कैंपिंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी शानदार नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे 2D ऑडियो सिस्टम दिया गया है। साइड में अगर बात करें, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलने वाला है यहाँ पे, और ग्रैब हैंडल मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलेगा, और स्टीयरिंग के ऊपर आपको ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल मिलने वाला है। स्पीडोमीटर आपको सुजुकी स्विफ्ट की याद दिलाएगा। ये 4x4 सुजुकी जिम्नी है जैसा आप देख सकते हैं। सेंटर कंसोल बड़ा बेसिक सा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स दिए गए हैं। AC वेंट्स बहुत ही छोटे दिए गए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इतने सक्सेसफुल होंगे अगर हीटेड जगह है हमारा इंडिया, जैसे काफ़ी ज़्यादा हीट वहाँ पे पड़ती है गर्मियों के टाइम पे, तो सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक इसका, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। जो डोर है वहाँ पे हैंडल क्रोम का दिया गया है, कुछ इस तरीके से शार्प फीचरी डिज़ाइन दिए गए हैं इंटीरियर के अंदर भी, ज़्यादा कर्वी नहीं दिए गए। तो कुछ इस तरीके से ब्लैक थीम आउट पूरा ये जिम्नी का इंटीरियर दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार और अच्छा नज़र आता है अगर आप देखेंगे इसको। तो गाइज, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मुझे नज़र आया। क्वालिटी की बात करूँ अगर यहाँ पे, तो हो सकता है इंडिया में थोड़ा ब्लेंडेड यूज़ हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ कॉस्ट रिडक्शन के लिए, और ताकि कस्टमर उसको इजीली ख़रीद पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको सेंटर लाइट मिल जाएगी, IRVM मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगी वाइज़र पे, पैसेंजर साइड और को पैसेंजर साइड कुछ इस तरीके की आपको नज़र आने वाली है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलने वाला है, बेसिक सा इंटीरियर है, ज़्यादा हाईफाई इंटीरियर नहीं मिलेगा, और डिज़ाइन भी काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, ज़्यादा यहाँ पे कोई कर्वी डिज़ाइन नहीं दिए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कैसी लगी आपको ये सुजुकी जिम्नी, हो सकता है इंडिया में भी ऐसी लॉन्च हो। अगर आप इसको चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे फीचर्स चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन कंपनी तक भी जाए, उनको भी पता चले कि कंज्यूमर क्या मांगता है। तो मेक श्योर आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो इसी के साथ विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।